हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है धरती गोल है तो काबे को सजदा कैसे हो सकता है, मुफ्ती यासिर नदीम। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं कि एक अंकल है उनका ये सवाल है कि धरती गोल है तो काबा को सजदा कैसे हो सकता है। तो देखेंगे मुफ्ती साहब क्या इसका रिप्लाई देते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो जब आप सवाल पूछेंगे तो जैसे मेरे वो दोस्त नहीं मिल रहे ना जिन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी कि चार शादियां हम लोग इसलिए करते थे इसलिए जायज हैं, तो फिर वो 13 का जवाब नहीं दे पाए, 7 साल का जवाब नहीं दे पाए। इसी तरीके से आपके बहुत सारे दोस्त जो पिछले कई सौ सालों से मजाक उड़ा रहे हैं हिंदू धर्म का, अजीब टाइप का मल्क है यार, तुम गणेश जी को पूछते हो, इसको पूछते हो, उसको पूछते हो, मुझे समझ नहीं आया। कि कहते हैं कि जब नमाज पढ़ी जाती है तो आप दुनिया के किसी छोर में हो, आपका मुंह जो है वो काबे की तरफ होना चाहिए। अब ये जब नियम बनाया गया था, वो लोग ये कहते हैं कुरान मजीद के मुकाबले दुनिया जो है, जमीन जो है वो चपटी है, लेकिन बाद में पता चला गोल है, तो अब समस्या क्रिएट हो गई। तो अब जो इधर से देख के काबे में नमाज पढ़ रहा है वो कहीं और पढ़ रहा है, वो कहीं और पढ़ रहा है, तो काबे की तरफ पूरी दुनिया में मुंह ही किसी का नहीं है। कोई किसी के पीछे खड़ो के पढ़ रहा है, कोई किसी के आगे खड़ो के पढ़ रहा है। जो है ना एक गोली है, गोली चल रही है अभी, उसी पे एक सवाल है जी। सर हम जब क़िबला रुख करते हैं तो जब हम तो वो सीधा चला जाता होगा, क़िबला नहीं चले जाता होगा, है ना, वही पुराना वाला वही क़िबला रुख जब हम करते हैं तो हम सिंपली डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में रुख करते हैं। ऐसी कोई नहीं है कि हम सामने जो है बिल्कुल काबा रहना चाहिए और हमारी आग से जो है एक रोशनी निकल रही है वो काबे के ऊपर से निकल गई, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसा कुछ नहीं बोल रहा मैं, नहीं वैसा ही सवाल होता है मेरे भाई, यही एतराज मुरीदों की तरफ से किया जाता है। हम जब हम सुन लीजिए बाप, देखिए ऐसा है कि जब हम किबले की बात करते हैं तो हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं, और डायरेक्शन की बात इसलिए नहीं करते कि डायरेक्शन अहम है, डायरेक्शन की बात इसलिए करते हैं ताकि हमारी इबादत में यूनिटी रहे, दैट्स ऑल। उस यूनिटी की वजह से हम एक तरफ एक डायरेक्शन में एक सिमत में की तरफ रुख करते हैं। आप इंडिया में हैं, अगर पाकिस्तान में तो आप वेस्ट की तरफ करेंगे, हम अमेरिका में हैं तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रुख करेंगे, सिंपल। रॉस भाई आप कहाँ रहते हैं, आप मुल्क का नाम बताएं। हैदराबाद के साहब। अच्छा अच्छा, इंडिया में रहते हैं आप, बताएंगे यूरोप किधर है? हाँ, आपके मुल्क से यूरोप किधर है? यूरोप, यूरोप में, यूरोप एक कॉन्टिनेंट। किधर है भाई, कोई डायरेक्शन तो होगा ना भाई। अगर मैं आपको बोल दूंगा कि चांद में झंडा कहाँ पे, आप अभी मॉडर्न एरा मॉडर्न नहीं, चांद का झंडा नहीं पूछेंगे, इतना मुश्किल सवाल नहीं करेंगे आपसे, आसान सवाल कर रहे हैं कि यूरोप किधर है। मैं समझ गया उनका क्वेश्चन, लेकिन अभी जो मैप है, मैप को 2D रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए यूरोप इक्वेटर के ऊपर है, ये इक्वेटर के नीचे। ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ चांद को ले लो आप, या कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। नहीं, हम तो चांद की तरफ रुख नहीं करते ना, काबा भी तो जमीन पर ही है ना। नहीं ठीक है, ये 2D, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है मैप। नहीं, आप 3D रिप्रेजेंटेशन में बताओ ना कि किधर है वो, यूरोप किधर है आपके यहाँ से, 3D रिप्रेजेंटेशन में। नॉर्थ, नॉर्थ में भाई। ये स्फेरिकल वर्ल्ड में पॉसिबल है ये? मींस कि आप नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट करते रहे? नहीं, ये जस्ट 2D रिप्रेजेंटेशन अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए है। नहीं, अभी आपने 3D के एतबार से बोला कि वो नॉर्थ में है, तो वो स्फेरिकल वर्ल्ड में ये कह रहे हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है, पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। तो फिर काबे पे क्या क्वेश्चन है आपका? आपके अकॉर्डिंग जब पॉसिबल है तो काबा की तरफ डायरेक्शन भी पॉसिबल है फिर? एक मिनट, हेलो हेलो। जी भाई बोलिए। आवाज आ रही है सर। हम जब अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाना है, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें दो पॉइंट्स डालिए, हम लोग ये डायरेक्शन से भी जा सकते हैं वो पॉइंट को, और अपोजिट डायरेक्शन से भी जा सकते हैं सेम पॉइंट को। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो इससे क्या साबित हुआ? जब हम नमाज पढ़ते हैं, क़िबला जो साइड है उसके अपोजिट साइड भी नमाज पढ़ सकते हैं चाहे तो।
तो अगर आपके पास दो पॉइंट है, मसलन आपको कलकत्ता से बेंगलोर जाना है, आप बोलने दीजिए एक मिनट, अगर आपको हैदराबाद से बेंगलोर जाना है तो श्याम भाई बेंगलोर किधर है हैदराबाद से? मेरे ख्याल से वेस्ट में होगा ना, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट नहीं नहीं नीचे साउथ ईस्ट में आएगा, ठीक है, साउथ वेस्ट में आता है बेंगलुरु, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, ओके चले, अब नहीं हैदराबाद से मैं पूछ रहा था, चले साउथ में हैदराबाद, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में। अब एक तरीका तो ये है कि आप साउथ वेस्ट में चले हैदराबाद से बेंगलोर पहुंच जाए, दूसरा तरीका ये है कि आप नॉर्थ ईस्ट चले, ठीक है, और चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे और पूरा घुमा के फिर आए और फिर बेंगलोर आए, तो किधर से जाना पसंद करेंगे? सर अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, आप हैदराबाद में क्यों, हम आपको ऑस्ट्रेलिया क्यों लेके जाएं, आप हैदराबाद में ही ठीक है, वहीं रहिए। नहीं मैं हैदराबाद से पूछ रहा हूँ ना, आपको हैदराबाद से बेंगलोर जाना है, अब जाने के दो तरीके हैं, एक करीबी रास्ता है, एक दुनिया की दूसरी तरफ से घूम के, किधर से जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल सर, जो शॉर्टेस्ट, जो शॉर्टेस्ट है ना, बस वही बात है, हम किबले का डायरेक्शन जो है जिस रुख पे, हम दोनों तरफ से जाहिर सी बात है काबे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन काबे तक पहुंचना अहम नहीं है, डायरेक्शन अहम है, तो जो करीब तरीन डायरेक्शन होगा हम उसकी तरफ रुख करेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, और एक बात और मुसाब, वो किसी भी डायरेक्शन से पहुंचेंगे उस डायरेक्शन का नाम वही रहेगा जो साउथ वेस्ट है, चाहे आप साउथ ईस्ट से घूम के जाओ आपको यही कहा जाएगा कि आप साउथ वेस्ट में पहुंचे हो। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने पॉइंट, जो आपका पॉइंट है उससे कंपेयर किया जाएगा। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बारक अल्लाह फीकुम, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। सो गाइस ये था वीडियो, ये लड़का क्या है, इस लड़के को कुछ भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि यार ये जैसे कि सामने जो बोल रहे थे कोई था जो अंकल थे, ठीक है, वो इस्लाम के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे, तो यार ये जो धरती चपटी वाली है ये कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है और कहीं हदीसों में भी नहीं लिखा है, अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे और जानोगे तो, ठीक है, बल्कि कुरान शरीफ में ये लिखा है कि ऑस्ट्रिच के आकार का है, ठीक है, हाँ उसके अंडे के जैसा, ठीक है, तो ये जो लोग है ये सिर्फ और सिर्फ ये जो जिनको नॉलेज नहीं है इस्लाम का उनसे सुन के शायद ये बोल रहे हो या कहीं से भी बोल रहे हो, तो ये जो भी बोल रहे थे ये गलत था। और रही बात डायरेक्शन की, तो यार जो मुसलमान है वो काबा को सजदा नहीं कर रहे या काबा की पूजा नहीं कर रही है, सबसे पहले ये डाउट क्लियर हो जाता है इस वीडियो से, और हमें भी पता है, हम जहां तक के रिसर्च किए हैं उसमें पता चलता है कि काबा को सजदा नहीं कर रहे हैं मुसलमानों पर, यूनिटी बने रह करके उस डायरेक्शन में अल्लाह को करते हैं, जो क्रिएटर है इस संसार को बनाया है जिन्होंने, उन्हें सजदा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्लेयर्स होते हैं गेम्स के, वो तो वहाँ पर डायरेक्शन नहीं देते फिर भी सजदा कर देते हैं, अगर वो सेंचुरी मारते हैं या 50 मारते हैं, ठीक है, तो वो भी सजदा करते हैं, तो आप सजदा कहीं भी कर सकते हो अपने क्रिएटर को, लेकिन ऐसा है कि वो यूनिटी के लिए बोला गया है उस, ताकि जब जो मुसलमान है वो लोग जब अपनी प्रेयर करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, तो वो कहीं भी रहे तो वो सबसे अलग रहे, क्योंकि शायद शायद नहीं सच में ये नबी ने ये बोला है कि जो मुसलमान तुम हो जो इस्लाम को फॉलो करते हो वो सबसे अलग दिखो, ठीक है, इसलिए ये चीज़ बोली गई है कि आप लोग में अलग यूनिटी होनी चाहिए, कि अगर बहुत से ग्रुप खड़े हुए हैं तो वहाँ पे जब आप प्रेयर कर रहे हो तो सभी लोग एक साइड फेस कर लेंगे, तो एक यूनिटी दिखेगी, और बाकी अदर रिलीजन के कोई लोग हैं उनकी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है और वो लोग प्रेयर करते हैं, वो लोग अलग अलग तरफ फेस करके प्रेयर करेंगे, तो उसमें यूनिटी दिखती है, इसलिए जो मुसलमान है वो काबे की तरफ फेस करके नमाज़ पढ़ते हैं। और रही बात जो इस लड़के ने बोला कि एक और क्वेश्चन कि अगर हम दूसरी साइड से भी फेस करके अगर नमाज पढ़ते हैं तो हम उस तरफ से भी काबे को सजदा कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ही अच्छी यासिर नदीम सर ने क्लियर की कि अगर हमारे पास जब शॉर्टकट है जो जिधर से, जैसे कि अभी हमारा कोई फ्रेंड है उसका घर जाने को दो रास्ते हैं, तो एक तो लंबा रास्ता है और एक जो शॉर्टकट वाला रास्ता है, तो आप शॉर्टकट से ही जाओगे, तो अगर हम जैसे कि यहाँ पे है इंडिया में, तो इंडिया से जो काबे का जो डायरेक्शन है वो ज़्यादा आसानी से किस, जो है, हाँ जो शॉर्टकट है उस तरफ ही फेस करके मुसलमानों को नमाज पढ़ना पड़ेगा। सो गाइस ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा सर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।